आप सभी को नमस्कार। एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉल्ट कोड के साथ आज मैं फिर से आपके सामने वीडियो लेकर आया हूं। फॉल्ट कोड है FC036। आपने भी पहली बार सुना होगा ये फॉल्ट, तो मैं आपको बता दूं कि ये फॉल्ट आता है थ्री फेज लोको में, अगर मेरा न्यूमेटिक पैनल CCV वर्जन सेकेंड है उसमें। और ये फॉल्ट कोड जहां प्रदर्शित होगा वो जगह है ईवीवी डिस्प्ले पर FC36 फॉल्ट से रिलेटेड मैसेज आएगा। इसका मैसेज हमेशा ये रहेगा कि 16CP AW4 फॉल्ट। इस फॉल्ट में हमको करना क्या है, यदि हम ब्लॉक सेक्शन में हैं तो गाड़ी को खड़ी करेंगे, पहला। दूसरा, मोड स्विच, आप सभी लोग जानते हैं मोड स्विच कहां लगा होता है, मोड स्विच को ट्रेल पर करेंगे। इसके बाद A9 हैंडल को हम लोग इमरजेंसी पर करेंगे। और अगला जो हमको काम करना है कि SA9 को फुल एप्लीकेशन पर करेंगे। इतना करने पे फॉल्ट रिसेट हो जाएगा, वापस मोड स्विच को लीड पर करेंगे, A9 को रन पर रखेंगे और SA9 को रिलीज पर करके BP और MR प्रेशर आ जाने के बाद नॉर्मल गाड़ी कार्य करेंगे। लेकिन अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, यदि इतना करने के बाद भी फॉल्ट कोड रिसेट ना हो तो हमको क्या करना है, A9 से प्रेशर गिराकर देखेंगे कि BP हमारा गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, BC गेज में प्रेशर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इससे इंश्योर हो जाएगा कि हमारा लोको ब्रेक और BP गिरने का मतलब है गाड़ी में ब्रेक आ रहे हैं। भले ये फॉल्ट बना हुआ है, रिसेट नहीं हुआ, लेकिन एक बार ये इंश्योर कर लेंगे और लोको यदि सिंगल लोको है तो लोको ब्रेक लगाकर देख लेंगे क्या बीसी में जो है प्रेशर बढ़ रहा है, क्या लोको ब्रेक फिजिकली चेक कर लेंगे आ रहे हैं। यदि लोको ब्रेक आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, साइड से जहां का लोको है वहां बात करेंगे, यदि वो परमिट करते हैं तो उनको ये कंडीशन बताकर ब्लॉक सेक्शन क्लियर करेंगे। यदि ऐसा नहीं हो रहा है और फॉल्ट भी रिसेट नहीं हो रहा है तब ये लोको में हम PTDC मोड के द्वारा ब्लॉक सेक्शन क्लियर करेंगे। धन्यवाद।